राजा जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? यार आज हम जा रहे हैं अपनी ये जो बसंती है, बसंती की कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। बसंती जो है वो अब बुढ़ापे की वजह से थोड़ा सा कांपने लग पड़ी है, और बसंती के कांपने की वजह से जो है ना हम थोड़ा सा तंग हैं, तो हम उसकी कपकपाहट को जो है ना वो थोड़ा दूर करे जा रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि हाई स्पीड के ऊपर अगर आप ब्रेक सप्लाई करते हैं ना, तो इसका जो स्टीयरिंग है ना वो थोड़ा ऐसे 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 कांपता है, और मैं आपको वीडियो में अभी करके भी दिखाऊंगा अभी। उसका सलूशन निकालना है हमने, और उसका जो मेरे ख्याल से मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके जो ब्रेक डिस्क है ना वो जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हुई है, और जब आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पैड्स को पकड़ते हैं तो वैसे वैसे हिलती है, और वो इम्पैक्ट सारा जो है ना वो स्टीयरिंग के ऊपर आता है। तो उसको हम चेक कराएंगे इंशाल्लाह, तो बेहतर हो जाएगा काम। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपने उसको कैसे कैसे चेक करना है, और कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं। जैसे गाड़ी स्मूथली चल रही है और जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ ना, तो ये इसका स्टीयरिंग देखें, आप ये स्टीयरिंग देखें, इसका ये हिल रहा है, ठीक है। और आपको अगर ब्रेक की आउटसाइड से आवाज़ आ रही है तो वो चीं 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 की आवाज़, का मतलब है कि जो ब्रेक पैड है वो ब्रेक डिस्क को 100% ग्रिप नहीं कर पा रहा, ठीक है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये देखिए आपका स्टीयरिंग जो है वो ऐसे ऐसे हिलता है, तो उसको थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, और आप कभी कभी अक्सर वक्त जो है वो ड्राइवर्स वगैरह डर भी जाते हैं इस चीज़ से कि यार ये क्या हो रहा है, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको जो छोटे पैड्स हैं उसको टूल कराने की जरूरत है। वो बेसिकली ऐसे थोड़े टेढ़े होते हैं, जब चल रहे होते हैं तो वो ब्रेक उसको पकड़ती नहीं, तो ऐसे उसमें वाइब्रेशन आती है। आज हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये डिस्क पिलाने पड़ी हुई अंदर से और बाहर से, ये निशानी होती है कि डिस्क स्मूथ नहीं चल रही। हाँ, बेहतरीन हो गया। ये लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये ऊपर यहाँ से रेसिंग डिस्क ऑर्डर निकल रही है, पूरी डिस्क ऐसे ये नीचे ना होते हैं पार्ट है ना, ये दूर हो जाएगी तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जैसे वो साइड पर होता है ये बिल्कुल क्लियर हो गई है ना लाइन, देखिए ख़त्म हो गई, इसमें लाइन नहीं है साइड पर, इसी तरह ये भी हो जाएगा ऐसा 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 ऐसा, ये फूल फूल ज़्यादा पूरा यहाँ तक आएगा। ये देखें जी, अब ये आफ्टर है, और पहले आपको मैंने दिखाया था, और उसके बाद ये अभी सारा टूल हो गया ना बिल्कुल स्मूथ हो गया, तो यानी कि अब इस पर डिस्क पैड जब चलेगा ना, जब ब्रेक अब ब्रेक सप्लाई होंगी तो ये थर थर कांपेगा नहीं। अच्छा जी, हमारी गाड़ी का पेडीक्योर जो है वो हो गया कंप्लीट, और पेडीक्योर में जो हमारा खर्चा आया है वो आया है 1500 रुपीज़ का, जिसके अंदर हमने लेबर दी है गाड़ी को खोलने और जोड़ने की, और दोनों गाड़ी के जो डिस्क हैं वो अंदर और बाहर से हुई हैं टूल, तो उसका खर्चा आया 1500 रुपये, और पेडीक्योर के बाद हमारी गाड़ी। फौजी भाई क्या हाल है? तो जो हमारी गाड़ी का जो पेडीक्योर है वो कम्प्लीट होने के बाद हमारी गाड़ी जो होगी होगी बेस्ट। तब आपको डेमो देते हैं इसका, नई गाड़ी चल रही है और अब इसके अगर मैं ब्रेक सप्लाई करता हूँ तो ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलती है, यानी कि इसमें ऐसे खड़खड़ाहट नहीं आ रही। तो अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करने के ऊपर गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे थरथराता है या वाइब्रेट करता है, तो आप उसकी गाड़ी के जो है वो डिस्क पैड्स तो चेंज करें ही करें, आप जो उसकी गाड़ी की डिस्क हैं जिसको हम तवे कहते हैं वो टूल लाजमी कराएँ, या उसको जो है वो ऐसे ऊपर से पॉलिश करवाएं, ताकि आप गाड़ी की ब्रेक्स बिल्कुल स्टेबल रहें और वो ऐसे खड़ा खड़ा ना करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।